क्या फिल्म कल्कि 2898 एडी के अश्वत्थामा और रियल अश्वत्थामा में कोई अंतर है? क्या महाभारत कालीन रियल अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है? आखिर क्या है अश्वत्थामा की मिस्ट्री का महासच? दोस्तों, साउथ के जाने माने डायरेक्टर नागा अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल्कि 2898 एडी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस मेगा बजट फिल्म में साउथ के सुपरस्टार प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हैं। उनके अलावा अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी जैसे बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार भी इसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं। इस फिल्म का एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ है जिसमें अमिताभ बच्चन महाभारत कालीन अश्वत्थामा के रोल में दिख रहे हैं। इस ट्रेलर के रिलीज होने के बाद अश्वत्थामा को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। अश्वत्थामा अभी जिंदा है या मर चुका है? कुछ लोग आज भी अश्वत्थामा को जिंदा मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि हजारों साल जिंदा रहने के बाद अश्वत्थामा अब मर चुका है। लेकिन सच क्या है, इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे और आपको तथ्यों के आधार पर बिल्कुल नए विश्लेषण के साथ बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी था। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। ऐसे लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे। शायद इसी कथा के आधार पर फिल्म कल्कि 2898 एडी में अश्वत्थामा का रोल भी है। हालांकि फिल्म की पूरी कहानी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इसी तरह से शिव महापुराण के मुताबिक भी अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये नहीं बताया गया है। लेकिन इन पुराणों से भी अधिक प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ महाभारत के तथ्यों का विश्लेषण करें तो सच्चाई पता लगेगी कि अश्वत्थामा करीब 3000 साल तक जीवित रहने के बाद मर चुका है और उसकी मृत्यु हुए भी करीब 2000 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं महाभारत के उस सबूत के बारे में जो साफ साफ बता रहा है कि अश्वत्थामा मर चुका है। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 16 के इस श्लोक को देखिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। त्रिणी वर्ष सहस्त्राणी चरिष्यसी महिमिमाम अप्राण पुवन क्वचित कांचित संविदम जातु केनचित निर्जनान सहयत्वम देशान प्रवी चरिष्यसी। महाभारत के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। कह रहे हैं कि आज से 3000 साल तक तू इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा, तुझे कभी कहीं किसी से बातचीत करने का सुख नहीं मिलेगा, तू अकेला ही निर्जन स्थानों में घूमता रहेगा। अश्वत्थामा को श्राप देते हुए आगे कहते हैं कि ओ नीच, तू जन समुदाय में ठहर नहीं सकेगा, तेरे शरीर में पीप और खून की बदबू निकलती रहेगी, अतः तुझे दुर्गम स्थानों का ही आश्रय लेना होगा। हे पापी, तू सभी रोगों से पीड़ित होकर इधर उधर भटकता रहेगा। दोस्तों, आपने इस श्लोक को अगर ध्यान से सुना होगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 साल तक ही जीवित रहने का श्राप दिया था, जबकि महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग का आगमन भगवान श्री कृष्ण के गोलोक जाने के दिन से माना जाता है, यानी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था उस दिन कलयुग का काल शुरू होता है। उधर भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के 36 वर्ष बाद सारे यदुवंश का नाश हो जाएगा और श्री कृष्ण को भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा। यानी जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था तो उसके 36 साल बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हो गया था। दोस्तों, महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध ईसा पूर्व 3117 में हुआ था, जबकि महाभारत में बताए गए जयद्रथ वध के वक्त पड़े सूर्य ग्रहण की गणना करने पर महाभारत का युद्ध ईसा पूर्व 3060 में हुआ था। इस तरह आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म ईसा पूर्व 3112 में हुआ था।
इसका अर्थ साफ है कि महाभारत के युद्ध को हुए आज कम से कम 5000 साल तो बीत ही चुके हैं। ऐसे में जब अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने 3000 सालों तक ही भटकने का श्राप दिया था, तो फिर आज वो कैसे जीवित हो सकता है? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के जंगलों में भटकता रहता है। कुछ दावों के अनुसार उसे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में भटकते हुए देखा जा सकता है। कुछ दावों के अनुसार वो महाराष्ट्र और गुजरात के जंगलों में भटकता रहता है। ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के खोदरा महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आज भी आता है और लोगों से अपने सिर पर हुए घाव पर मरहम लगाने के लिए हल्दी मांगता है। लेकिन महाभारत में साफ साफ लिखा है कि अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने 3000 साल का श्राप दिया था, उससे ज्यादा का नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी ने संतान के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें अश्वत्थामा के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक मणि थी। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीम ने द्रोणाचार्य का छल से वध किया था, तो क्रोधित अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश का समूल विनाश करने के लिए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बाद भी जब अश्वत्थामा का क्रोध खत्म नहीं हुआ, तो उसने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया था। इसके बाद पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसके माथे की मणि निकाल ली थी, जिसकी वजह से अश्वत्थामा के माथे पर एक गहरा घाव बन गया था। इसके बाद अश्वत्थामा 3000 वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा और आज से 2000 साल पहले इस श्राप से मुक्त होकर मर चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद आपका।